भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी अनिल जैन के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद भी भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश में रह रहे हैं और पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू से कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में पूर्व महापौर डॉक्टर किरणमय नायक समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। हमने चार दिन पहले माननीय पीएल पुनिया जी के यहाँ चुनाव तक रुकने की अनुमति निर्वाचन कार्यालय से हमने मांगी थी और जिसमें किरणमयी नायक जी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री सुब्रत साहू से सीधा टेलीफोन से बात किया था, लेकिन उन्होंने ओरली मना कर दिया था। उसके जो अधीनस्थ अधिकारी है तो उन्होंने तो आवेदन दिए हैं, इससे भी डिनाई कर रहे थे, लेकिन हमारे पास पावती था। आप स्वीकार करें, हाँ आपके पास पावती है, लेकिन हमको नियम बताया गया केवल एक अधिकारी रुक सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उसके महामंत्री अनिल जैन और उसके संगठन मंत्री सौदान सिंह जी यहाँ जमे हुए हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल उनको बाहर किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, बिना अनुमति के रह रहे हैं। और कांग्रेस को नहीं देने के लिए कोई स्पेशल प्रावधान है क्या दिल्ली से? तो उसके बाद जो रूल दिखाते हैं वो कहते हैं कि एक जने की आप परमिशन ले सकते हैं। चुनाव आयोग यहाँ पर बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यदि एक की परमिशन है तो दो लोग कैसे रुके, उनको अरेस्ट करना चाहिए आज की तारीख में। हमारी मांग यहाँ पर यही है कि जब तक उनको यहाँ से बाहर नहीं किया जाता है राज्य से, तब तक आज यहाँ पर धरना देंगे अध्यक्ष जी, और इसीलिए वहाँ पर कार्यालय में बैठे हैं। और मैं अपना चुनाव छोड़ करके वो इस चीज़ के लिए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए भेदभाव हो रहा है। जिन जगहों पर 144 धारा है, जय स्तंभ चौक में अमित शाह की रैली होती है, वहाँ पे बिना अनुमति के मंच बनता है और सारे पदाधिकारी कलेक्टर मूक दर्शक की तरह यहाँ पर बिहेव करते हैं, उनके पास कोई परमिशन नहीं है। जिन जगहों पर धार्मिक जुलूस के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, वहाँ पर इनकी रैली और रोड शो चलता है। For more information, log on to www.clips.in.